हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज थोड़ी बारिश हुई है। रात को शिवरात्रि थी, कल शिवरात्रि थी, तो कल से थोड़ा मौसम तूफानी हो रहा है। और देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है। और आजकल मौसम भी मार्च अप्रैल में ऐसा हो जाता है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने प्लांट्स गर्मियों के और क्या क्या तैयारियाँ मैं और कर रहा हूँ अब। तो शुरुआत करते हैं मेथी से। मेथी अब मेरी पकने की स्टेज पर है और अब बस जस्ट इसका मैं पकने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर इसकी सीड्स मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। ये मेरी मेथी के सीड्स अच्छे निकल आते हैं मेरे, ये देखो मेथी के सीड्स। ये मेरी पेठे की बेल है, 1, 2, 3 और 4, चार हलवा कद्दू, पेठा जिसको बोलते हैं हलवा कद्दू, ये वो है। और यहाँ पर अभी मैंने आज ही घीए की बेलें लगाई हैं, ये घीए की बेलें हैं सारी, ये सारी घीए की बेलें हैं। यहाँ पर मैंने कंपोस्ट डाली है, अभी नीचे थोड़ी सी खाद डाली है, ये देखो मटर के छिलके वगैरह। और यहाँ पर अभी मैं बीच में पालक लगा दूँगा, थोड़ी सी इसमें बस पालक लगा दूँगा। और साइड पर यहाँ पे लौकी लगेगी, यहाँ पर घिया, यहाँ पर लौकी। और ये क्यारी में भी साइड पर टमाटर थोड़े से बच गए हैं, बस ये पक जाएंगे, फिर इसको उखाड़ के यहाँ पर फिर से लौकी घिया लगा दूँगा मैं अगले महीने, तो मेरा निकलती रहेगी हार्वेस्ट। और ये 56 कद्दू है मेरे, ये इसके 9 प्लांट्स हैं। मैंने इसको देखो, मेरा हाथ है 8 इंच, देखो 1, 2 एंड हाफ, तो लगभग 8, 8, 6, 20 इंचेस अपार्ट लगाए हैं। और ऐसे देखें तो 2 फुट है तकरीबन, तो 2-2 फुट दूर लगाने हैं। ये पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं इसके, तो इसलिए दूर दूर लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाकी अभी ये सारी जो बाल्टियाँ खाली हैं, इसमें मैं अभी खाद ला कर मिक्स करूँगा, फिर भरूँगा, तो अभी ये पेंडिंग पड़ा है मेरा काम। और बाकी इधर सीडलिंग्स मैंने सारी ट्रांसप्लांट कर दी हैं, यहाँ से थोड़ी सी बची हैं बस भिंडी की। और यहाँ पर देखे हम तो ये मेरे प्लांट सब बड़े होने लगे हैं फलियों के, ये देखो फलियों के प्लांट्स की ग्रोथ निकल रही है अब। और ये फलियों के प्लांट्स हैं। आज ये वाली क्यारी भी खाली कर दी मैंने, मटर वाली, और इसको खाली करके अब यहाँ पर मैंने तोरी लगा दी है। ये तोरी के प्लांट्स हैं मेरे, तोरी रिज गॉड। और ये अनार का पौधा है, ये नींबू का पौधा भी अब फूल आ रहे हैं, पौधा बड़ा हो रहा है। ये भी अमरूद का है छोटा। और ये मेरा यहाँ पर अभी सफाई करनी है मैंने, ये सरसों का प्लांट था, इसको कीड़ा लग गया, बहुत सारे कीड़े लग गए हैं इसको। और मैंने अभी चेंजेस किए हैं, अब बैंगन मेरे पिछले साल के फिर से लगने शुरू हो गए हैं, वाइट वाइट बैंगन, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे लगते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं। और ये मैंने इसमें पुदीना लगा दिया क्यारी के नीचे, ताकि थोड़ा पौधों की छाव में हो जाए। और ये देखो मेरे शहतूत, ये मेरे शहतूत लगे हुए हैं, शहतूत मेरे प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी लगते हैं। और ये मेरा आकाश नीम का प्लांट है एक, ये आकाश नीम बहुत अच्छी होती है, ये एक डिफरेंट टाइप की नीम ही है लेकिन। और ये देखो मेरा बोटल ब्रश, ये बोटल ब्रश का पेड़ होता है लेकिन गमले वैसे छोटी जगह में लगा हुआ है, और बहुत अच्छी अच्छी फ्लावर्स देता है, रेड रेड बॉटल की तरह ऐसे ना गुच्छों में। और ये मेरी बैंगन के पौधे हैं सारे, ये पूरी लाइन बैंगन की है। और ये बैंगन अब छोटे छोटे थे, अब बड़े होने शुरू हो गए हैं, जल्दी इनके ऊपर फ्रूट आ जाएगा, बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे गर्मियों के मौसम में। और ये अभी थोड़ा यहाँ पे खाली है, यहाँ पर भी मैं खीरे लगा दूँगा, अभी खीरे के प्लांट्स पड़े हैं मेरे पास। और ये मेरा सुदर्शन प्लांट है, इसकी ऊपर फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है, ये देखो फ्लावरिंग बड। और बाकी अभी मेरी यहाँ पर ना ग्रीन नेट लगाना पूरा, यहाँ पे सारा ग्रीन नेट। और यहाँ पर बांस लगाऊंगा मैं, और उसके ऊपर फिर ये वाला नेट लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर सारी बेलें चढ़ेंगी यहाँ पे, तो अभी पूरा वो सेटअप करूँगा मैं। अभी थोड़ा सा 4-5 दिन रुक जाऊँ मैं, फिर पहले नेट लगाऊंगा मैं इन बेलों के लिए, फिर उसके बाद मैं प्लांट्स के लिए ग्रीन नेट लगाऊंगा। अभी थोड़ा मौसम ठंडा है, अभी तो मैंने जैकेट डाली है, अभी तो गर्मी बिल्कुल नहीं है,
लेकिन जब आगे मौसम आएगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है इन प्लांट्स को, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।